सेक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं राग बैरागी में एक नगमा आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है और ये ताल कहरवा में है। आज मैं नगमा आपको रिदम के साथ बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप रिदम को अच्छे से सुने और इसको आप भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छा कर सकें, ठीक है? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आप इसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। राग बैरागी, स्केल हमारा होगा सी शार्प, ठीक है? तो इसको हम रिदम के साथ किस प्रकार बजाएं आज मैं आपको बताता हूं, तो आप ध्यान से देखें और आप भी इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है? मैं आपको नगमा की सरगम एक बार बता देता हूं ताकि आप उसको बजा सकें, कंफ्यूज ना हो। सा 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 नी पा मा रे सा रे मा पा मा पा नी सा नी पानी। ये हमारी ताल कहरवा में है और इसको हम पहली मात्रा से भी उठा सकते हैं और पांचवी मात्रा से भी उठा सकते हैं। आप पहली मात्रा से ही उठाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये सरगम मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा और आप इसको देखकर अच्छे से बजाएं, ठीक है? तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसको हम बजाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा रिदम में बढ़ा देता हूँ। जब भी हम नगमा बजाते हैं तो हमें ताल का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? ताल का हमें ध्यान रखना है और टेम्पो का ध्यान रखना है कि हम जो नगमा जो लहरा बजा रहे हैं उसका हमारा टेम्पो क्या है। और टेम्पो में हम एक गुण और दो गुण में भी उसको हम बजाते हैं, पर हमारा जो नगमा होता है वो ज़्यादातर एक गुण में ही चलता है, ठीक है? उसका हम टेम्पो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। रिदम हमारा बदलता रहता है, कभी रिदम जो है एक गुण में भी आ जाता है, कभी दो गुण में भी आ जाता है और कभी चौगुण में भी रिदम उसमें बजने लगता है। हमारा जो नगमा का ट्यून है, जो उसका धुन है, वो वही रहता है, ठीक है? तो जो मैंने अभी आपको बजाकर दिखाया, आप भी इसको बजाएं, खूब अच्छा प्रैक्टिस करें। और ये जो रिदम मैं अभी बजा रहा हूँ, मैं इस रिदम को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इस रिदम को लोड कर लें, ठीक है? लोड करके आपके घर में अगर स्पीकर है, कोई साउंड है, तो उस पे उसको लगाकर चला दें, ठीक है? और इसका जो हमारा सरगम है नगमा का, इसको आप अपनी डायरी पे लिख लें और फिर हारमोनियम पे इसको बजाएं और रिदम के साथ प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है? इसको आप अच्छे से खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नगमा के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।